केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले दो वर्षों में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की 176 कोशिशें हुई, जिनमें 31 आतंकवादी मारे गए। लोकसभा में एक प्रश्न के रिटर्न आंसर में एमओएस होम नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में 62 सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 106 जवान घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 2021 में आतंकवादी हिंसा में 42 सुरक्षा कर्मियों की जान गई और 117 अन्य घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 2021 में आतंकवादी हिंसा में 42 सुरक्षा कर्मियों की जान गई और 117 अन्य घायल हो गए। राय ने कहा कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों के मामले मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, जो सीमा पार से समर्थित एवं प्रायोजित आतंकवादी हिंसा से प्रभावित रहा है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें करियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। GKSSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 0191258-3256। GK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।